नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कि कुशल मंगल होंगे। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, कॉपर। कॉपर को हम फसलों में किस रूप में प्रयोग करते हैं और कौन सी फसल में कहाँ पर किस रूप में प्रयोग करना चाहिए। कृषि के उद्देश्य से कॉपर दोस्तों ज़्यादातर हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और दूसरा कॉपर सल्फेट। तो कैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कहाँ कहाँ और करने से के क्या लाभ हो सकते हैं, वहीं कॉपर सल्फेट का प्रयोग कहाँ होगा, उसके क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है, उन सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो को देखने बाद मैं नहीं समझता है आपको कुछ और जानकारी के लिए आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जो दुकानदार हैं निश्चित रूप से डिग्रीधारी हो सकते हैं और होते भी हैं, लाइसेंस उन्हीं को मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल जानते हों। मैं एक रिसर्च पेपर के आधार पर आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कृषि क्षेत्र में विभिन्न ब्रांडों के रूप में, जो इसका टेक्निकल नेम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की फॉर्म में पाया जाता है। ये एक ब्लू कॉपर के नाम से भी आता है और भी ब्रांड नेम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी खुद डिमांड है कि ब्रांड नेम जरूर बताया करें, तो जरूर बताऊंगा। दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगीसाइड के रूप में ये काम करता है। इसका मतलब ये है कि कई सारे बीमारियों पर काम करता है, कॉन्टैक्ट भी है, यानी कि जब भी फंगस के कॉन्टैक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, तब फंगस को मारेगा। साथ ही ये अंदर घुस करके यानी कि सिस्टम के अंदर जा करके भी काम करता है। दोस्तों इसकी अगर हम डोज की बात करें तो इसकी डोज अगर प्रति लीटर की बात करें तो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि आप अगर 15 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं तो 30 से लेकर के 40 ग्राम 15 लीटर, 25 लीटर की टंकी इस्तेमाल करते हैं तो 50 से लेकर के 70 ग्राम पर लीटर के पर टंकी के हिसाब से, और एकड़ की बात करें तो 500 से 550-600 ग्राम प्रति एकड़ तक 200 लीटर पानी में इसको स्प्रे किया जा सकता है। इसके स्प्रे करने के जो प्रभाव हैं उसकी बात करें तो ये किन रोगों पर असरकारक है वो मैं बता देता हूं आपको। ये लीफ स्पॉट और अगैती झुलसा, पिछैसी झुलसा, डाउनी मिल्ड्यू, फ्रूट रॉट, ब्लास्ट और के साथ साथ इंसेक्ट को मारने में भी प्रभावशाली है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो है दोनों तरह के अल्टरनेरिया सोलेनाई जो कि अर्ली ब्लाइट में अटैक करता है और फाइटोफ्थेरा इन्फेस्टेंस जो कि लेट ब्लाइट का कारक है, इन दोनों को नियंत्रित करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैव रसायन और शारीरिक मापदंडों के परीक्षण के आधार पर जब इसका लगातार स्प्रे के बाद परीक्षण किया गया तो ये पाया गया दोस्तों परिणाम में कि ये पौधों को ऑक्सीडेशन तनाव में बहुत उससे मदद करता है, यानी उससे निकालता है पौधे को। साथ ही जो सर्दी का प्रकोप होता है, तो जब सर्दी के प्रकोप के कारण सेल के अंदर स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को भी कम करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और इसको प्रभावित करने वाले कारकों में सकारात्मक परिणाम जो है इसके देखे गए दोस्तों। इसके साथ ही इसका जो प्रयोग है वो फसलों पर करने की अनुमति दी गई, यानी कि अगर इसका लगातार भी हम स्प्रे करते हैं 10-15 दिन के अंतराल पर भी, तब भी ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बशर्ते इसमें पानी की मात्रा पर्याप्त ली गई हो। अब हम बात करें इसके जो है कौन कौन सी फसल पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो दोस्तों मूंग, आलू के साथ साथ, आलू में तो हम करते ही हैं, आलू के बारे में बता रहा हूं, तो इसके अलावा मूंग, पपीता, टमाटर, मिर्च, अंगूर, सेब, संतरा, नींबू, आम, सोयाबीन, मूंगफली, धान, चना, भिंडी, लौकी, तोरई, खीरा, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च और तंबाकू, इन सभी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मेरा मानना यह है दोस्तों, मेरे खुद के प्रयोग से, कि आलू के लिए पहले 40-45 दिन पर आप मैंकोजेब कार्बन रजिम का सिंपल स्प्रे करिए, उसके बाद उसके 20 दिन बाद
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कीजिए और उसके अगली बार परिस्थिति को देख करके कोई हैवी फंगीसाइड आप चुन सकते हैं। मैंने बहुत सारे आपको वीडियो दे रखे हैं, अगर कोई रोग आए या रोग से बचाव दोनों ही परिस्थितियों में आपको कौन कौन से फंगीसाइड लेने चाहिए उन सब के बारे में मैं अलग अलग वीडियो में बात कर चुका हूँ। आपको ये सब लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिल सकते हैं, उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इतना स्पेस नहीं होता कि सारे वीडियो के लिंक दे सकें, तो कुछ वीडियोज आपको चैनल पर जा करके वीडियो के लिंक पर जाएंगे तो सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम अगर इसके उपयोग की विधि की बात करें तो इसको दो तरह से आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। पहला स्प्रे के फॉर्म में, तो मैंने आपको स्प्रे का बता दिया कि 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की मात्रा में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे आपको। और दूसरा जो है वो जड़ों में ड्रेंचिंग के रूप में और पानी के साथ घोल करके भी इसको चलाया जा सकता है, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको किसी भी मौसम में प्रयोग करना जो है खतरनाक नहीं है, लाभकारी है, यानी कि बरसात के मौसम में भी ये बहुत ज़्यादा असरकारक है। इसके प्रयोग से जो लाभ मिलेंगे वो आपके बरसात के मौसम में तो संपूर्ण फायदे देता ही है, तांबे की आपूर्ति भी करता है दोस्तों, फसल के लिए माइक्रोन्यूट्रेंट कॉपर भी है और उसकी आपूर्ति ये जो है इसके स्प्रे में हो जाती है। इसलिए मेरा कहना ये है कि कम से कम एक बार आप अपनी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे जरूर करना चाहिए। लंबे समय तक ये फसल को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, न केवल फंगस से बल्कि इंसेक्ट से भी सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये जो है फंगीसाइड के साथ साथ इंसेक्टिसाइड का भी कार्य करता है। दूसरी बात, इंसेक्ट के अटैक से बचाता है दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आ जाएंगे तो आपको हैवी इंसेक्टिसाइड लेना पड़ेगा, इसके साथ में ले सकते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर समय समय पर इसका स्प्रे हो रहा है तो इंसेक्ट अटैक ही नहीं करते। पत्तियों की जड़ों की और तनों पर ये सब पर प्रभावशाली है, इसका हानिकारक इनमें से किसी भी तने पौधे के किसी भी भाग पर इसका हानिकारक असर नहीं होता है और ये पोषण में भी सहायक है दोस्तों। इसके अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो प्रसिद्ध जो ब्रांड नेम है वो धानुका कंपनी का धानुकॉप के नाम से आता है, सिंजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर के नाम से आता है, अडामा इंडिया का मैनकॉप के नाम से आता है, इफ्को एमसी का जो गजारू के नाम से आता है, टाटा का ब्रिटॉक्स 50WP के नाम से आता है, वहीं क्रिस्टल क्रॉप का ब्लू कॉपर के नाम से ये मार्केट में उपलब्ध है आपको। अब दोस्तों मैं एक बात और मुख्य रूप से आपको बताना चाहता हूं कि इसके प्रयोग में कुछ सावधानी की आवश्यकता होती है। सावधानी ये है कि इनको किसके साथ मिलाना चाहिए, किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं, तो एक जो प्रैक्टिकल तौर पर ये आया कि इसको किसी भी एनपीके के साथ बिल्कुल न मिलाएं दोस्तों। और किस पहले मैं बात करता हूँ किसके साथ आप इसको मिला सकते हैं, पहली बात तो मैं बता दूँ आपको, ये इसका जो पीएच मान है वो 7.20 यानी स्थिर पीएच मान कह सकते हैं, इसको नॉर्मल कह सकते हैं, ना एसिडिक है और ना बेसिक है, क्योंकि इसको उसी तरह से बनाया गया है। तो इसके साथ में कोई भी क्षारीय या अम्लीय द्रव को नहीं मिला सकते, ईसी फॉर्म को नहीं मिलाएंगे इसको। दूसरा जो है टॉनिक, अगर नॉर्मल पीएच का कोई टॉनिक है उसको आप मिला सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो इसको आप जो भी कंपनी प्रतिनिधि हो उनसे एक बार जानकारी जरूर कर लें। और दूसरा आप घोल करके मिला करके चेक कर लें, पीएच स्ट्रिप्स आती हैं उसके द्वारा देख लें। और दूसरा जो तरीका है, इसका रंग परिवर्तन नहीं होना चाहिए मिलाते समय, इन सब ये सब चीज़ें होती हैं तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब कौन कौन से केमिकल्स और फंगीसाइड के साथ इसका कंपेटिबिलिटी नहीं है, तो इसके साथ नहीं मिला सकते मतलब, तो वो मैं आपको बता दूं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में हमने मिला करके स्प्रे कराया है प्रैक्टिकल के तौर पर, और अब आने वाले समय में उसके साथ कॉम्बिनेशन में सॉल्ट भी इसका मिल जाएगा आपको। तो जैसे अभी इसको सल्फर के साथ नहीं मिला सकते क्योंकि सल्फर एसिडिक होता है। किसी भी जो है थायपोनेट मिथाइल के साथ नॉर्मली नहीं मिला सकते क्योंकि एक सिस्टमिक स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड है थायपोनेट मिथाइल, इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। ट्यूबिकोनाजोल के साथ नहीं मिला सकते इसको दोस्तों, और साइमोक्सिनिल और मैंकोजेब के साथ का कॉम्बिनेशन जो होता है उसके साथ नहीं मिला सकते। मैंकोजेब के कॉम्बिनेशन में कॉपर सल्फेट का कॉम्बिनेशन अलग से आता है, उसके साथ आप मिला करके इसको दे सकते हैं। फोस्टाइल और एल्यूमिनियम इस कॉम्बिनेशन के साथ नहीं मिला सकते। फोस्टाइल
एल्यूमिनियम और मैंको जेब कॉम्बिनेशन के साथ इसको नहीं मिला सकते दोस्तों। तो विभिन्न विपरीत सामान्य परिस्थितियों में तो दोस्तों मेटालेक्सिल के साथ भी नहीं मिलाते, लेकिन अभी एक कॉम्बिनेशन आने वाला है मेटालेक्सिल के साथ में, और हमने प्रयोग तौर पर जब ब्लाइट नहीं रोक पा रही थी तो मेटालेक्सिल 50 ग्राम के साथ 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिला करके स्प्रे किया, उसके परिणाम सकारात्मक या अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो इसके आपको ध्यान यहाँ पर सावधानी इसी बात की रखनी है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक कॉम्बिनेशन के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, अन्यथा इसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कॉपर के दूसरे प्रतिरूप कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट जो है अपने आप में कॉपर ऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया के द्वारा बनाया जाता है, तो ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। अब आप कहेंगे आप स्ट्रॉन्गली एसिडिक कॉपर सल्फेट, तो कभी भी कॉपर सल्फेट का डायरेक्ट स्प्रे करने से बचना चाहिए फसलों पर, क्योंकि अगर उसकी मात्रा जरा भी इधर उधर हुई तो आपकी फसल को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये एसिडिक होने के कारण फसल को जला भी सकता है। क्योंकि मैंने कई बार कई किसान भाइयों को जो स्कैब डिसीज में इसका प्रयोग करने की सलाह दी है, यानी जड़ कलन में भी कभी कभी इसकी सलाह दी जाती है, जड़ों में भयंकर कोई भी फंगस का प्रकोप होता है तब भी सलाह दी जाती है, लेकिन इसको स्प्रे नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। तो मैंने हमेशा यही कहा होगा आपको कि पानी के साथ चलाएं। तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, तो पहले तो ये थोड़ा सा जान लीजिए आप कि कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में अंतर क्या है। तो कॉपर सल्फेट जो है वो अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों, CuSO4। तो ये और जबकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड कॉपर सल्फेट के द्वारा रिएक्शन करके इसके अंदर क्लोरीन मिक्स करके, अब वो उस रिएक्शन पर बात नहीं करेंगे, एक कृषि के लिए बनाया गया उत्पाद है जो कि पीएच को नियंत्रित यहाँ पर कर लिया गया है। तो ये कार्बनिक उत्पाद है, इसको आसानी से स्प्रे किया जा सकता है। अब दूसरी बात करें हम कि इसको सीधे तौर पर कॉपर सल्फेट को फसलों में स्प्रे नहीं किया जा सकता, जानकार और अनुभवी किसान अपने अनुभव से चूने के साथ मिलाकर के या चूने के पानी के साथ मिलाकर के स्प्रे कर लेते हैं दोस्तों, और ये धान की फसल में जो है कई सारे रोगों में, गन्ने की फसल में कई सारे रोगों में किसान भाई स्प्रे करते हैं, और हम भी बताते हैं उस समय एक नियमित मात्रा को चूने की मिला करके इसको स्प्रे किया जा सकता है। सामान्य तौर पर आप स्प्रे करने से, आलू की फसल पर स्प्रे करने से बिल्कुल बचिए, कभी भी इसका आलू की फसल पर स्प्रे नहीं करना, क्योंकि इसका प्रयोग इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड के साथ साथ शाकनाशी यानी हर्बिसाइड के रूप में भी किया जा सकता है, तो आपकी फसल को जला सकता है। इसलिए हमने हमेशा जब आपको सलाह दी है तो पानी के साथ चलाने की दी है, क्योंकि कहीं फसल जल भी सकती है, इससे हर्बिसाइड्स जो है खत्म हो जाते हैं अगर छोटे मोटे हर्बिसाइड्स होते हैं, इसलिए पानी के साथ चलाने की इसकी सलाह दी जाती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा नहीं। अगर ज़्यादा मात्रा में आपने चला दिया तो आपके मित्र कीट यानी केंचुआ वगैरह भी अंदर मर जाएंगे, और जो भी आपने राइजो आपके माइकोराइजा वगैरह दिया है, राइजोबियम वगैरह के बैक्टीरिया है, वो भी मर जाएंगे। इसलिए एक लिमिटेड मात्रा ही हमने आपको चलाने की सलाह दी है। किसान भाई ने हमने कहा था कि हमारे यहाँ 1.5-2 किलो चला रहे हैं पानी के साथ, तो मैंने उनको कहा कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान आगे देखना पड़ेगा, इसलिए आप इसकी मात्रा जो है 500 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम प्रति एकड़ में ही घोल के चलानी चाहिए। अलग अलग फसलों में ये अलग अलग रिकमेंडेड हो सकती है अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन सामान्य तौर पर यही मात्रा है दोस्तों। अगर इसकी पहचान की बात करें तो नीले क्रिस्टलीय ठोस होंगे कॉपर सल्फेट के, या सफ़ेद पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, जबकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है नीले रंग का पाउडर होता है या क्रिस्टलीय पाउडर हो सकता है। स्प्रे की बात करी थी मैंने, इसका पीएच अम्लीय होता है उसकी बात कर दी, उसका पीएच सामान्य होता है इसकी भी बात कर दी। इसका 1956 से पहले कॉपर का किसी भी फसल में प्रयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन किसान जो है सामान्य तौर पर गांव में या कहें कि पारंपरिक रूप से हमारे किसान नीला तोता का प्रयोग पशुओं की बीमारी में और फसलों की बीमारी में किया करते थे, उसको दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया, और बाद में 1956 के बाद इसको फसलों में प्रयोग की अनुमति दी गई दोस्तों। उसके बाद इसके काफ़ी सारे साल्ट कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ग्रुप में बहुत सारे साल्ट हैं, वहीं कॉपर सल्फेट के साथ मैंकोजेब को मिक्स करके भी एक ब्रांडेड नाम है, आपने देखा होगा क्यूप्रोफिक्स के नाम से आता है, जिसमें कॉपर सल्फेट 47.15%, वहीं मैंकोजेब जो है उसमें 30% कॉम्बिनेशन में आता है। इसको भी जो है विभिन्न परिस्थितियों में, यानी कि जब कभी कह सकते हैं कि बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक होता है आलू की फसल में, तब इसका प्रयोग की सलाह दी जाती है, सामान्य तौर पर इसका स्प्रे नहीं किया जा सकता। अब एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि फिटकरी भी अम्लीय होती है और कॉपर सल्फेट भी अम्लीय होता है, तो इसके बाद में इतना जरूर आप ध्यान रखें
कि एक साथ कॉपर सल्फेट और फिट्री के मिश्रण को मिला करके भी फसल पर नहीं देना है। मैंने जो तरीका बताया था वो अलग तरीका है, आपने को मैंने बताया कि डेले के साथ पानी में बहुत कम मात्रा में, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, अंदर जड़ गलन नहीं रुकता है या स्कैप डिसीज आई हुई होती है, तब केवल इतनी फिटकरी जानी चाहिए कि एक डेला घोल कर कपड़े बांध कर रख देते हैं पानी में, वो जितना अपने आप स्वयं घुल कर चला जाए उतना उसको आप चला सकते हैं और 500 ग्राम कॉपर सल्फेट ड्रॉप ड्रॉप करके पानी के साथ चला सकते हैं। तो जड़ संबंधित समस्त रोगों के उपचार में ये सहायक है दोस्तों। स्कैब के लिए अलग वीडियो दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं, यानी कि जो चेचक डिसीज है उसको देख सकते हैं दोस्तों। अब जो है इसमें मेरे को नहीं लगता कि अब इसके बाद भी कुछ जानकारी करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों एक बात के लिए मैं बहुत क्षमा चाहूँगा, आजकल रात दिन जो है आप लोग कभी भी सुबह शाम दोपहर रात फोन करते हैं, आप अपना मैसेज डाल दीजिए, मैं आपका यथासंभव सबको रिप्लाई देता हूँ, और बार बार फोन करके मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है दोस्तों, उसको डिस्टर्ब ना करेंगे तो मैं लंबे समय तक आपकी सेवा करता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। नए किसान भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें दोस्तों, हम अपना फायदा न सोचें, हमें सब किसान भाइयों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएं, हमारा वो सब फायदा उठाएं, केवल यही उद्देश्य है। इसके साथ साथ मैं आपको धीरे धीरे करके आपके खर्चों को कम करने के उपाय बताऊंगा और निश्चित रूप से आपके फायदा आपके लिए फायदेमंद मेरे वीडियो साबित होंगे। इसके लिए बस यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।